भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दो दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे भी शामिल हुए थे। अधिवेशन के बाद सोमवार को नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचते ही नागपुर विमानतल पर उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकसित भारत की गारंटी दी है, इसलिए मोदी के नाम की सरकार आएगी तो हर जगह नारे लगेंगे। राहुल गांधी जहां भी जाएंगे उन्हें मोदी के नारे नजर आएंगे। संपूर्ण देशामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदी जी आणि मोदींचं सरकारबद्दल अत्यंत विश्वास लोकांना आहे। मोदीजींनी गॅरंटी दिली आहे आत्मनिर्भर भारताची, विकसित भारताची, जगातला बलशाली देश भारत होईल अशी गॅरंटी मोदीजींनी देशाला दिली आहे आणि त्यामुळेच संपूर्ण देशभर मोदीजींच्या नावाने पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा सरकार येईल, मोदींचं सरकार येईल असंच देशभर वातावरण आहे आणि त्यामुळे सर्वीकडेच नारे लागतात आहे। राहुल गांधी जिकडे जातील तिकडे मोदीजींचेच नारे त्यांना दिसतील, कारण 10 वर्षात त्यांनी देश बदलवला आहे, मोदीजींनी देश बदलला आहे। गरीब कल्याण, मध्यमवर्गीयाचं कल्याण मोदीजींनी केलं आहे, त्यामुळे मला वाटतं की संपूर्ण देशामध्ये जनता मोदीजींच्या पाठीशी आहे। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों से बाकी पक्षों के बड़े नेता प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार गुट के एक बड़े नेता भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। इस अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुळे ने कहा कि अगर कोई मोदी की विकसित भारत की धारणा का समर्थन करने के लिए भाजपा में आता है तो हम उसे अपने साथ ले लेंगे, लेकिन मैं इस अटकलों के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे संपर्क में नहीं है। हमारी पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। मोदीजींच्या गॅरंटी जी आहे आणि मोदींचा आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प आहे, त्या संकल्पाला साथ देण्याकरता अनेक लोक सोबत येण्याची तयारी करत आहेत, काही तयारी करणार आहेत ते करत आहेत। तर मला वाटतं की तुमच्याकडे जी माहिती आहे ती माझ्याकडे नाही आहे, पण कधीही काही होऊ शकतं, मोदीजींना साथ देण्याकरता कोणी येऊ शकतं। लोकसभा चुनाव को अभी कुछ ही दिन बाकी है, मगर महाराष्ट्र से अभी तक महायुति की ओर से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। इस मुद्दे पर बात करते हुए बावनकुळे ने कहा कि हमारे तीनों नेता बैठेंगे और उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा। देश कल्याण करता, राष्ट्र कल्याण करता, आत्मनिर्भर भारत करता, विकसित भारत करता आणि या संकल्पाला साथ देण्याकरता कोणी आमच्या पक्षात आलं तरी आमचे कार्यकर्ते कधी डिस्टर्ब होत नाही, कारण आमचे नेते आणि कार्यकर्ते हे राष्ट्र प्रथम या भूमिकेकरता काम करतात आणि त्यामुळं एखाद्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी थोडी इन्सिक्युरिटी झाली तरी तो कार्यकर्ता समजून घेतो आणि पुन्हा कामाला लागतो, त्यामुळं फार काही आमच्याकडे असंतोष होत नाही। आमचा पक्ष हा एक विचारधारेने चालणारा पक्ष आहे, त्यामुळं फार काही चिंता करण्याची फार गरज नाही आहे। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने 20 तारीख को एक विशेष अधिवेशन लेने की घोषणा की है। इस अधिवेशन पर बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि कल एक विशेष सत्र है और हम मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देंगे। इस आरक्षण से मराठा समाज को दोबारा परेशानी नहीं होगी और जो हलचल हो रही है वो कम हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।